नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं कुंवर उद्यान में। आज मायावती जी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है तो उसी सिलसिले में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे साथ में हेमंत कुमार मौर्य जी जो बसपा के नेता हैं। और मायावती जी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, एक तरफ भाजपा के निरहू हैं, दूसरी तरफ सपा के धर्मेंद्र यादव हैं। कितना टफ मुकाबला लगता है? टफ मुकाबला नहीं है, बहुजन समाज पार्टी ने जो टिकट दिया है उस पर हम लोग जो भीम राजभर जी को टिकट मिला, क्या असर नहीं इसका पड़ेगा? मतलब अगर वो इंडिया गठबंधन में जाती है, डायरेक्ट संबंध जनता से है। मैं बता दिया कि कुम्भार बिरादरी के चाक चलाने वाले को बन कुमारी मायावती जी ने सांसद बनाने के लिए टिकट दे दिया मुजफ्फरनगर में। कोई दूसरा दल दिया हो तो बताइए। तो हम तो अपने जनता पर विश्वास करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने नाई समाज के लोग जब नहीं पहुंच सकते थे विधायक बन के, उन्होंने रामचंद्र प्रधान को हीरा ठाकुर को राज्य मंत्री दर्जा दिया। बहुजन समाज पार्टी तो वो पार्टी है कि जो दलितों पिछड़ों शोषितों वंचितों सदियों से लोग नहीं जानते थे उनको राजनीति मान्यवर कांशीराम सामने लाया। उत्तराधिकारी की बात कर ली जाए तो मान्यवर काशी जी ने मायावती को दिया था, मायावती जी ने अपने भतीजे को लाई है उत्तराधिकारी बना करके। ये परिवारवाद की तरफ एक तरफ इशारा कर रही है, इसमें लोग काफी नाराज हैं। कोई नाराज नहीं है, जो पार्टी में काम करेगा वो पार्टी में आगे बढ़े। कोई और भी तो हो सकता था अपने भतीजे के अलावा? बहुजन समाज पार्टी का जो निर्णय होगा उसको सभी लोग मानेंगे, जो जितना मेहनत करेगा उतना आगे जाएगा। हमने तो परिवारवाद की तरफ इशारा हो गया ना। कहां है, किस दल में परिवारवाद नहीं बताइए हमको, गिनाए आप। कहती है कि नहीं है और बाकी लोग कहते हैं कि परिवार चल रहा है। राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री, उनके लड़के विधायक हैं, और बताइए और किसको हम गिना दें। अभी चंद्रशेखर रावण आजाद की बात कर ली जाए, वो जो है कि बहुजन की दो पार्टियां हो गई, चंद्रशेखर रावण हो गए एक तरफ जो है कि मायावती जी हो गई। कितना अंतर लगता है, मतलब वो कितना हावी हो रहा है आज के युवाओं पर? बहुजन समाज पार्टी के पूरे लोग जीतेंगे और बहुजन समाज पार्टी चंद्रशेखर जी आजमगढ़ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुजन ने कहा कि चंद्रशेखर रावण आजाद जो है वो कितना असर कर रहे हैं बहुजन सर आजमगढ़ की बात नहीं कर रही हूँ, हम क्यों बात कर रहे हैं, बहुजन समाज के कम्युनिटी की बात मैं कर रही हूँ, बहुजन समाज के लोगों की बात कर रही हूँ। क्योंकि आजमगढ़ का युवा कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण के आजाद के जो है कि वो प्रभावित है उनकी बातों से, तो कितना असर पड़ेगा ये मायावती के? बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का वोटर हाथी को वोट देगा, कहीं नहीं जाने वाला है। फैन तो आप भी किसी के हो सकती हैं, तो ये थोड़े नहीं आप किसी को वोट दे देंगे, जहाँ जिसके दिल में आस्था वहीं उठ जाए। बहुजन समाज पार्टी कैडराइज लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी का एक एक वोट करके झूम के जाएगा और हाथी वाले बटन दबा देगा। और इस बार चुनाव में बहुत मजा आने वाली है, जो लोग बी टीम कहते हैं उनको पता चल जाएगा कौन बी है कौन ए है। अभी आजमगढ़ में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला था, निरहू जब से आए उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर देंगे उसको, जिसके कारण 500 मतलब 550 दिनों से लोग धरना दे रहे हैं। वहाँ पे अगर बात करने जाओ तो वो लोग कहते हैं कि ना मायावती का कोई यहाँ पे आया, ना भाजपा कोई आया, सपा का दो दिन आए हुए थे, तो हम वोट किसी को नहीं दे, किसी तीसरे को खत्म मतलब खड़ा करेंगे। तो क्या इससे फर्क पड़ेगा मायावती के वोटर पर? अब देखिए, अब कौन धरना दे रहा कौन नहीं उसके बारे में तो हम नहीं जानते, पता ही नहीं है, तो फिर आजमगढ़ के वोट कहाँ से हैं? एक चीज जान रहे, धरना लोग दे रहे वो सरकार की जिम्मेदारी है। अब धरने की बात रही तो दिल्ली में किसान 700 शहीद हो गए, वो उसकी गारंटी कौन लेता है? प्रधानमंत्री जी को लेना चाहिए, 700 किसान शहीद हो गए पाकिस्तान, तो बाकी नेता आवाज उठा रहे हैं ना। मेरी बात सुन लीजिए, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर बांग्लादेश की बॉर्डर पर कील ठोकना चाहिए वो किसानों के बीच ठोकी जा रही है। अभी किसान धरना पर बीच में थे, तो धरने की बात वो सरकार का मामला है, लेकिन हमारी सरकार जब रही तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया, उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया। ये सरकार कितनी बनाई, कंपटीशन इस पर होना चाहिए, चर्चा रोजगार पर होना चाहिए, चर्चा विकास पर होना चाहिए, नौजवान हमारा कैसे नौकरी पाएगा, नौजवान हमारा टेक्नोलॉजी में कैसे आगे जाएगा, इसके लिए सरकार का भी एक स्वरूप जो है कि प्रधानमंत्री के रूप में लोग देख रहे हैं। अगर वो प्रधानमंत्री बनती है तो क्या भारत में ऐसा खास करेंगे जो मोदी नहीं कर पाया, कांग्रेस नहीं कर? बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन जी को केवल अगर 20 दिन मौका मिल जाए, पूरे देश को पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में दलितों पिछड़ों आदिवासियों कैसी सरकार चलती है और कैसे सबको रोजगार मिलता है। उसका एग्जाम्पल है 7 से 12 की जो सरकार बनी, 1 लाख से ऊपर सफाई कर्मचारी की नौकरी दिया, 1 लाख से अधिक लोगों का परिवार चल रहा है और आज तक नहीं कोई कोर्ट हटा पाया। हमारी नेता का जो डिसीजन होता है, कोई दूसरा शिक्षा मित्र की जो नियुक्ति हुई समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई, आज तक लोग बेचारे भटक रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जो दलित वर्ग जो गरीब वर्ग है, गरीबी हटाने के लिए हम 1 लाख रुपए सलीना डालेंगे, 8,500 रुपए महीने आएगा जिसके पास, वो जब तक देंगे जब तक वो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ जाते। क्या लगता है आपको, ये 8,500 महीने और 1 लाख महीने साल का कितना असर? राहुल गांधी जी की सरकार थी,
तो राहुल गांधी जी को दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों की काउंटिंग करना चाहिए। आज तो पत्रकारों में गिनती कर रहे हैं कितना हमारा दलित है, कितना पिछड़ा है, कितना ओबीसी है, कोई नहीं मिलेगा। भाई आप प्रधानमंत्री रहे, आपको कुछ कर देना चाहिए, आपने किया नहीं, कर रहे हैं अब देंगे। वो तो जनता खुद जनता की अदालत में सभी लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आपको जो है कि प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी भी नजर नहीं आते हैं? बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी निश्चित तौर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमने बात करी है, आपको क्या कहना है, जो सारा कंक्लूजन निकला है उस पर आपको क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।